ये जो मांगने वाले होते हैं जी, ये सारे प्रोफेशनल नहीं होते हैं। कुछ इनके अंदर मजबूरियां छुपी होती हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग प्रोफेशनल भी हैं, वो पता चल जाता है। कुछ दिनों से हमारे इलाके में रात के 12 बजे एक बुज़ुर्ग बांसुरी बजाते हैं बड़ी सुरीली आवाज़ में, और एक कॉर्नर पर बैठे। मैंने एक दिन कहा, बाबा जी रात के 12 बज गए हैं, सोने का टाइम है लोगों का, आपसे गुजारिश है कि बाकी मामला कल पे छोड़ें अल्लाह की रज़ा में, और आप एक काम और करें कि आपको मैं देखता हूँ कि पिछले 4 रोज़ से इसी जगह आप बैठते हैं, ये पूरा इलाका है, बदल के रोड्स, कभी उधर कभी उधर, इस तरह ज़्यादा मुनासिब है। बरकैफ वो अच्छा बाबा जी कह के बाबू जी चला गया। मैंने एक बांसुरी खरीदी उनसे 30 रुपये की, खुश हो गया। खैर, आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने फिर देखा कि बाबा जी 12 बजे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं चौक में। मैंने सोचा कि मैं जानूं ये बाबा क्या करते हैं, इनकी क्या मजबूरी है, इनके साथ दुख सुख फोलना चाहिए। बाबा जी से सलाम दुआ ली और उनसे एक सादा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया। देखिए, इस इलाके में कम से कम हमारे 20-25 हज़ार नफूस रहते हैं, मुख्तलिफ़ गलियाँ हैं, ताजबाग की मुख्तलिफ़ गलियाँ हैं, बड़े अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे, अच्छे साहब इस्तेदाद, लेकिन मांगने वाले 5 नहीं 7-10 होंगे। ये सारे उनकी कफालत कर सकते हैं और इनकी एक अच्छी मसाल कायम करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने पता नहीं कुछ करना है या नहीं करना है, लेकिन इंसानियत तो इंसान के साथ साथ चलती है, और इंसानियत की बेस पे ही लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुन्नास मन यन्फन्नास, इंसानों में बेहतर वही है जो दूसरे के भले की बात करता है। बाबा जी की गहरी आँखें आंसुओं से भरी हुई थी जब मैंने उनसे सवाल जवाब किया। बाकी चीज़ें बाबा जी की ज़बानी ही सुनिए और गौर करें, और देखें कि आपके इलाके में भी कोई ऐसे बाबा जी चलते फिरते हैं जिनकी उम्र 87 साल हो और 6 बच्चे भी उनके लड़के, 2 नबीना कुरान हाफ़िज़ और 4 जो हैं वो आँखों वाले। लेकिन वो आँखों वाले तो हैं लेकिन दिमाग वाले नहीं हैं। उन्होंने 12 बजे भी अपने बाप को घर आने की इजाज़त नहीं देते वो। बाकी क्या मामला है ये मैं उनके जाकर साथ किसी दिन घर जाकर मालूम करूँगा, और कोशिश करूँगा कि अपनी ताकत बसात के हिम्मत करके कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के लिए पेश कर सकूं, ताकि इस ज़िंदगी में इस तरह के बदनसीब और धक्के खाने वाले जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए आप लोग कुछ कर सकें। अब सुनिए बाबा जी की ज़बानी, बाबा जी की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम, की हाल ने? ठीक ठाक हो? जरा बजा के दिखाओ, जरा बजाओ। चलो, ये थोड़ा ना की बाबा जी गुलाम साबर मौसीकार फिल्म ने, गुलाम साबर मौसीकार, हाँ बढ़िया फिल्म बनाते रहे, पर 60-70 साल करके छड़ गया। गुलाम साबर ना था? हाँ जी। तेरे ऐसी थे ऐसे ले ऐ ताजपुर गुजे पीर को, ताजपुर गुजे पीर को मैं तुम वेखिया कि 2 घंटे पहले तुम ना वो हलवाई दुकान के कोल बह के ना फाटकों पार ते बर्गर खा रहे सो। हैं? अच्छा, मैं अपनी फैमिली ना जा रहा सा वापसी, फिर मैं आया तो तुसी इत्थे साडे इलाके दे विच ताज अपना ताज बाग दे विच ना मेन रोड दे उत्ते बाजार सो। हां बाबा जी, की तुहाडी मजबूरी है? तुसी राती टाइम पता की हो गया? पैसा नहीं दिंदा बच्चे, पैसे नहीं दिंदे, मैनूं पता है। 6 पुत्र ने? हां 6 पुत्र ने, हां 2 नबीने ते 4 अखां ने, अल्लाह जानदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ते हाजी है मेरा मुंडा नबीना,